सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सकें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फाइनली Samsung A31 में एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट Samsung ने रोल आउट किया है, मेजर अपडेट इंडिया के अंदर। तो कितने साइज का अपडेट फाइल, क्या कुछ इंप्रूवमेंट्स किया गया है, क्या कुछ नए फीचर्स को ऐड किया गया है, सब कुछ मैं डिटेल में आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 80 लाइक, 80 लाइक आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं टेक दोस्त। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें अपडेट फाइल की तो 821 MB का अपडेट है, नवंबर 2021 का सिक्योरिटी पैच है जो कि थोड़ा पुराना है। और इस अपडेट के अंदर Samsung ने डिवाइस की सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया है, साथ में डिवाइस की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया है, बग्स को फिक्स किया गया है, कुछ फीचर्स को ऐड किया गया है और डिवाइस की परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव किया गया है। तो अगर आप Samsung A31 डिवाइस यूज करते हैं तो सेटिंग में जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट चेक कीजिए, आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर काफ़ी बड़ा अपडेट है तो इसमें हो सकता है कि Samsung ने काफ़ी सारे फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स किए होंगे। बात करें रैम प्लस की तो यहाँ पर रैम प्लस के बारे में तो नहीं बताया गया है। रैम प्लस का फीचर हो सकता है कि बहुत ही जल्द हमें A31 में देखने को मिल जाए। हो सकता है कि अगले साल हमें जो रैम प्लस फीचर है वो देखने को मिल जाए, या फिर अगर नहीं आता है अभी तो UI 4.0 के साथ तो कंफर्म्ड है कि जो रैम प्लस फीचर है वो आने वाला है। और A31 में हमें जो एंड्रॉयड 12 का अपडेट है वो मई के महीने तक देखने को मिलने वाला है। तो देखते हैं Samsung फ्यूचर में क्या करता है। और भी अगर कोई न्यूज आती है या फिर अपडेट आता है तो आपको मेरे चैनल पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।